नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। मैं आपके साथ आजम मिश्रा। इस वक्त हम पल्ला पुल पहुंचे हैं यहाँ पर, और यहाँ देख सकते हैं फायर ब्रिगेड्स की गाड़ी भी यहाँ पर पहुंची है। और फिलहाल यहाँ पर अभी बताया जा रहा है कि कई दुकानों में जो है वो आग लग गई है। आगे चल के हम आपको दिखाएंगे। अभी एक नहीं, दो दो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर पहुंची थी, जो कि अभी बुझा के यहाँ से निकल चुकी है। और यहाँ देख सकते हैं सारा सामान जो है वो पूरा खराब हो चुका है, जल के खाक हो चुका है। और ये देख सकते हैं मतलब शॉप किन किन चीज़ों की थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए कैसे आग लगी थी अंकल, मालूम नहीं, हम लोग सामने आए अभी। हाँ? अभी आ ही रहे हैं। अच्छा, कितनी दुकानें थी इसमें कुछ पता है? ये देख सकते हैं मतलब ये गन्ने की जो स्टॉल लगाते हैं, जूस वगैरह की शॉप थी, वो जलकर पूरी खाक हो गई। कैसे ही आग लगी, क्योंकि कैसे ही आग लगी थी कुछ पता है आप लोगों को? हम तो अभी मंडी से आए, पता नहीं सुबह का लगा है। मैडम सुबह का लगा हुआ है, सुबह का कैसे लगा था ये नहीं पता कैसे लगा है। मतलब कैसे, जब हम आए तो कोशिश किया जितना हो सके, हमने बचाया, रेडी निकाली, पर कोई कंट्रोल में नहीं आया जितना भी हो सके। फिर भाई साहब ने फोन नंबर मेरे को मिल नहीं रहा था, फिर इनको बुलाया, फिर उन्होंने तो मतलब फिर भी रेडी पटली वाले तो इनका कैसे? सारा फल थे इसके अंदर, ये जूस की दुकान थी जितनी भी थी। अब पीछे से किसी ने लगाया आग, इसने आग लगाई है, क्योंकि ऐसे तो रेडी पटली चलेगी नहीं। इसमें ये भी नहीं बोल सकते कि शॉर्ट सर्किट हुआ होगा तो आग लग गई। इसमें कोई इलेक्ट्रिक कार है नहीं कोई, मैं वही चीज बोल रहा हूं। इसमें तो किसी ने तो लगाई होगी तो कुछ होगा तभी ऐसा हुआ है, क्योंकि जिनकी दुकान है वो है नहीं सब मंडी में। हमने हमसे जितना हुआ हम लोगों ने किया है, फिर उनका वो आए बच्चे बच्चे फल वगैरह सारा खराब हो गया। दिखाने की कोशिश कर रही हूं मैं, ये देख सकते हो पूरा नहीं, हमारे भाई की शॉप है। कैसे आग लगी तो कुछ पता है आप लोगों को? सब सोए हुए थे, कोई भी नहीं था यहाँ पे जिस टाइम आग लगी है। ये तो धुआं वगैरह देख के सब इधर उधर से भागते हैं। कितने बजे करीबन ये आग लगी? थोड़ा सा आगे आ जाए, 7 बजे के आसपास, 7 बजे के आसपास, 7 बजे के आसपास। तो तब तो उजाला हो जाता है, तो आपने देखा होगा कहीं कुछ ऐसा आग लगी हो? हम घर पे जाके सो रहे थे ना, यहाँ पे कोई रहता नहीं है शाम को। ये पूरी दुकान थी, मतलब सारी फल की दो शॉप थी, इसमें पूरी जल के खाक हो गई। तो ऐसे थे कि बिना किसी वैसे तो जलेगी नहीं, मुझे लग रहा है कुछ आग पीछे लगी होगी, तभी वो आग पकड़ते पकड़ते बैक करके, जैसे हम साथ ही आए जो ऑटो वाले, हमने पानी मारा तो फिर वो बैक मारने लग गया, फिर हम पीछे हट गए। फिर भी जितना हो सका हम लोगों ने बचाया, रेडी जितना भी सामान है। पेड़ पे ऊपर तक देखिए ना, ऊपर तक आग लगाई, ऊपर तक गया ये, ऊपर तक ये पेड़ भी जल गया पूरा। ये देखिए पूरा सामान मैं आपको इसमें दिखाने की कोशिश करूँ, पूरा जलकर जो है वो खाक हो गया। और दो शॉप बताई जाती है, फल फ्रूट की शॉप थी, और देख सकते हैं अनार, ये संतरे वगैरह, मतलब सब कुछ पूरा जो इनका पूरा जलकर फ्रूट्स वगैरह सब खाक हो गया। किस तरीके से देख सकते हैं फेंक रहे हैं वो लोग, और मतलब कितने का नुकसान हो गया। ये देख सकते हैं किस तरीके से पूरे फ्रूट्स जो है वो जल गए हैं, मतलब लाखों का एक तरीके से बोल सकते हैं नुकसान हो गया इन लोगों का, क्योंकि वो फ्रूट्स अच्छे हैं वो भी खराब हो गए हैं। सब था ये, कम से कम कल 60-65 हज़ार रुपए का ज्यादा हुआ कह सकते हैं, क्योंकि मेरे आइडिया नहीं था कल पूरा ये सब पेटी भरा हुआ था। 60-65 हज़ार का मामला। ये कौन सा एरिया इलाका? ये है पल्ला, है पल्ला पुल पड़ता है ये पल्ला पुल। ये देख सकते हैं, मैं आपको एक बार आगे चल के भी दिखाऊंगी। और इस तरीके से देख सकते हैं किस तरीके से पूरा जो केला वगैरह था या फिर पूरा जो सामान था वो पूरे तरीके से जलकर खाक हो चुका है, और पूरा जो इनका फ्रूट्स वगैरह। अच्छा, ये मशीन भी जल गई है ना, मशीन भी देख सकते जल गई, और पेड़ तक पूरी आ चाहिए थे वो ऊपर देख सकते हैं, पूरा ऊपर दिखाने की कोशिश करूंगी। पेड़ पूरा जलकर देख सकते हैं, आधा जल गया था। और ये फ्रूट्स वगैरह की शॉप थी, और दो दो शॉप थी जिनमें ये आग लगी थी आज सुबह करीबन, जो यहाँ के लोग बता रहे हैं वो सुबह करीबन 7 बजे करीबन ये आग लगती है। और आग लगने के बाद जब लोगों को पता चलता है, जिसकी शॉप है एक्चुअली वो यहाँ पर है भी नहीं, वो मंडी गए हुए हैं, अभी उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी। और ये देख सकते हैं अभी फिलहाल यहाँ हम पहुँचे, और ये पल्ला पुल का ये एरिया पड़ता है और पल्ला थाना क्षेत्र पड़ता है। अभी फिलहाल फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियाँ भी कुछ पहुँची थी, और आग पर काबू पा लिया गया, आग बुझा ली गई। एक बार मैं आपको वो दिखाती हुई जो आग जल रही थी, ये देखिए ये दुकान जो है इस तरीके से जलकर पूरी खाक हुई, और लगातार आग के चपटे देखिए किस तरीके से उठ रही थी, और लपट इतनी तेज थी कि
एक नहीं दो दो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर मौके पर पहुंची हुई थी और फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। और जिसकी ये दुकान थी वो अभी मंडी गए हुए हैं, वो यहां पर हैं भी नहीं और उनको इन्फॉर्म एक्चुअली कर दिया गया है, वो भी कुछ देर बाद पहुंचेंगे। लेकिन देख सकते हैं पूरा जो नुकसान हो चुका है, ये देखिए मैं आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ विजुअल्स हैं जैसे आग लगी थी और किस तरीके से ये जो आग के लपटे हैं वो उठ रही हैं और पूरी दुकान को पूरी दुकान जो है वो जलकर खाक हो चुकी है। और ये देख सकते हैं और तमाम लोग हैं और जो दुकानदार हैं वो दुकानदार यहाँ पर अभी फ़िलहाल है नहीं। और देख सकते हैं चारों तरफ जो है वो चारों तरफ ये देख सकते हैं मतलब लोग यहाँ पर पहुँच गए। और किस तरीके से मैं आपको दिखाऊँगी, ये फ्रूट्स की शॉप थी और दो दो शॉप थी जिसमें से एक भी शॉप नहीं बची, पूरी जलकर जो है वो खाक हो चुकी है। और ये देखिए यहाँ से बताया जा रहा है ये शॉप थी और वहाँ तक थे, और फ्रूट्स के नवरात्रों के जो फ्रूट्स वगैरह सामान वगैरह रखे जाते थे वो सारा सामान था। और ये देख सकते हैं मतलब पूरा जो सामान है, चाहे वो स्टॉल देखी जाए, जो ठेला रेली पट्टी थी वो सब जलकर खाक हो गई, मशीन हो गई और यहाँ तक कि इस पेड़ पे भी लपट पकड़ ली थी लेकिन फायर ब्रिगेड से गाड़ियों ने इसको बुझा दिया। और ये देखिए पूरा सामान जो है वो जलकर खाक हो गए, जितना भी फ्रूट्स वगैरह थे वो जलकर सब खराब हो चुके हैं। अभी फ़िलहाल उसको फेंका जा रहा है क्योंकि कोई काम का नहीं है और कम से कम हज़ारों का जो है वो नुकसान हो गया है। और ये देख सकते हैं कितने सारे जो फल थे वो सारे नुकसान हो गए। और मैं आपको एक बार जो फायर ब्रिगेड से गाड़ी पहुंची थी उसकी वीडियो एक बार दिखाने की कोशिश करूँगी। ये देख सकते हैं जितना हुआ बचा पाया, अपनी लेडी हटाया, तीन लोगों की लेडी हटाया, अकेला अंदर घुसा भत्ता मारा था। ये देखिए आप लगा मेरे फोन करा फिर इस तरीके से फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो आग पर काबू पा रही है। और मतलब आग काफी भयंकर थी, जिसके कारण दो दुकानें जो है वो है। आपके पास वीडियो है अंकल? हाँ, एक बार दिखाइए। अच्छा आप मौके पे पहुंच गए थे जब? मैं यही था उस टाइम, मेरे से अकेला मैं क्या करता बेटा, मेरे से नहीं हो पा रहा था। पल्ला थाना क्षेत्र पड़ता है और ये पल्ला पुराना पुल पड़ता है। एक बार दिखाइए, ये पूरा एंड है फायर ब्रिगेड तक। अरे ये कब आई है, ये बाद में आया, ये तो बाद में था। मतलब ये सभी लोग बाद में पहुंचे थे, देख ली मैंने। ये देख सकते हैं मतलब 7 बजे के करीबन जो है वो ये आग लगती है और पूरी जो दुकान है वो जलकर खाक हो जाती है। और दो दो दुकानें थी फल फ्रूट के, नवरात्रों का सामान इसमें रखा गया था और सारा सामान जो है वो जलकर खाक हो गया। लोकेशन बता दो तो पल्ला पुल पड़ता है। अभी दो दो गाड़ियां यहाँ पर पहुंची थी फायर ब्रिगेड की, जिसको आग काबू पा लेगा। मैंने आपको फुटेज भी दिखाई आपको जो आग लगी थी दुकान पर, और जो सारी दुकान है वो सारा सामान नष्ट हो गया है, पूरा खराब हो चुका है। अब इसको फेंका जा रहा है स्टैंड में। और बताया जा रहा है जो इस मंडी के मालिक थे, शॉप के मालिक थे, वो अभी मंडी गए हुए हैं, वो यहाँ पर है भी नहीं। उनको फिलहाल इन्फॉर्म कर दिया गया है। अभी जो भी आगे के अपडेट होगा हम आपको जरूर बताएंगे। सब तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए सेट न्यूज़। नमस्कार।